हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये है कोलियस का प्लांट। तो इसको मैं छोटे छोटे से पेंट के डब्बे में लगाऊंगी। तो देखिए, ये है पेंट का, एक घी का डब्बा एक ठो, और बाकी सब पेंट का है। तो आप इसमें छोटे छोटे डब्बे में आप कोलियस को आसानी से, आराम से लगा सकते हैं। तो मैं अभी इस डब्बे को पीछे से होल करूँगी। अगर हम होल नहीं करेंगे तो इसमें पानी जमा रह जाएगा, तो प्लांट सड़ने का डर रहता है। होल करने से पानी सारा निकल जाता है। तो आप कोई भी डब्बे या कंटेनर में लगाएं तो होल ज़रूर कर लें, होल ज़रूर कर लें, ताकि पानी आसानी से सारा बह जाए और जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी रहे। तो देखिए, एक डब्बे में मैं इस खुरपी की मदद से एक डब्बे में 3 से 4 होल कर लेती हूँ। 2-3 भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से सारे डब्बे में हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए खुरपी या आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे आप आराम से होल कर लीजिए। तो मैं देखिए, मैं सारे डब्बे, मेरे पास 5 डब्बे हैं, 5 डब्बे में सभी में मैं होल कर लेती हूँ। और अब हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये जो घी का डब्बा होता है उसके ऊपर में थोड़ा सा कोरी होता है, तो उसको आप अच्छे से केयरफुली, नहीं तो फिर आपका हाथ कटने का डर रहता है। तो केयरफुली आप उसको अच्छे से सब देख लीजिए। और अब इसमें आप मिट्टी डाल दीजिए। तो मिट्टी डालने से पहले आप पहले इसमें ये जो दिया होता है उसका टुकड़ा या फिर जो पत्थर का टुकड़ा होता है उसको आप नीचे होल के पास रख दीजिए, जिससे मिट्टी जो होता है ना, मिट्टी मिट्टी से वो होल बंद ना हो। तो आप वहाँ पे ज़रूर से कोई पत्थर का टुकड़ा या फिर दिया का कोई टुकड़ा डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका होल अच्छे से, होल में पानी निकल पाएगा। तो मैं सारे डब्बे में डाल दी हूँ, और अब हम इसमें डालेंगे मिट्टी। तो देखिए, मैं अपने गार्डन में एक बड़ा सा टब है, उसमें मैं मिट्टी रखती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे मिट्टी अपना डाल देती हूँ। तो देखिए, मिट्टी बहुत दिन से मैं यूज नहीं की हूँ तो ये जम गया है। तो इसको हम अच्छे से कोड़ लेंगे, और कोड़ने के बाद इसमें हम सारा मिट्टी को भर लेंगे। तो देखिए, मैं मिट्टी कोड़ रही हूँ और मिट्टी को भरेंगे। तो आप इसमें नॉर्मल मिट्टी में आप आराम से कोलियस का प्लांट लगा सकते हैं। कोलियस के प्लांट के लिए कोई उतना खाद की ज़रूरत नहीं होती है, आप नॉर्मल मिट्टी में लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से नॉर्मल मिट्टी में भी और कोई से डब्बे में भी आसानी से चल जाता है ये प्लांट, और आसानी से ग्रो भी हो जाता है। तो आपके पास जो भी मिट्टी हो आप उसमें आराम से इसको लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये काली मिट्टी है, तो मैं काली मिट्टी में इसको लगाऊंगी। तो देखिए, मैं सभी डब्बे में मिट्टी को भर लेती हूँ। तो अभी मैं सारे डब्बे में मिट्टी भर लूँगी, आधा आधा, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं आधा आधा भर ली हूँ, और फिर हम इसमें अब लगाएंगे कोलियस का प्लांट। तो इसमें हम लगाने से पहले पानी डालेंगे ताकि मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए और प्लांट के लिए मिट्टी तैयार हो जाए और सेट हो जाए मिट्टी। तो देखिए, ये मैं सभी को अच्छे से हिलाकर उसको अच्छे से मिट्टी को सेट कर लूँगी। तो देखिए, मेरा सेट हो गया है, अब इसमें हम पौधे लगा सकते हैं। तो अब मैं कोलियस को, जब मैं कटिंग से कोलियस को गमले में लगाई थी तो मैं एक वीडियो बनाई थी कि जब मैं अपना एक छोटा सा कोलियस को पिंचिंग से कटिंग कर करके मैं जब इस कोलियस को लगाई थी, तो मैं आपको एक वीडियो बना के मैं अपने चैनल पर डाली थी। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। और अभी मेरा प्लांट देखिए तैयार हो गया है, कटिंग से हमने लगाया था। देखिए, सब में कितने अच्छे रूट आ गए हैं। तो ये अच्छे से रूट आ गए हैं, तो अब ये पौधा बहुत ही आसानी से लग जाएगा, और कोलियस आसानी से लग भी जाता है कभी भी कहीं भी कटिंग से। तो इसको मैं इसमें लगाई थी, तो देखिए इसमें सभी में रूट आ गए हैं। देखिए, इसमें भी आ गए हैं, तो सभी में।
देखिए कितने अच्छे से रूट आ गए हैं। तो ये प्लांट मैं निकाल लेती हूँ। एक और बचा है, इसको भी हम निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए, इसमें मैं एक बीज था, स्ट्रॉबेरी का बीज था, तो स्ट्रॉबेरी से छोटे छोटे प्लांट्स दो तीन आ गए हैं, तो वही प्लांट उसमें भी आ गया है। तो इसको मैं इसमें लगा देती हूँ और उसमें पानी डाल दूँगी, ताकि ये प्लांट जब बड़ा होगा तब हम इसको दूसरे गमले में लगाएंगे। तो अगर आपके पास गमले नहीं हैं तो आप पौधे वाला, प्लांट वाले गमले में भी बीज या कटिंग ग्रो कर सकते हैं और फिर दूसरे गमले में लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो आप इसको भी आसानी से ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके पास जगह नहीं है और गमले कम है तो भी। तो देखिए, मैं अब सब मिट्टी को थोड़ा सा होल कर लूँगी। होल करने के बाद हम इसमें अच्छे से सब उसको सेट कर लेंगे, और हम केयरफुली सारे कोलियस के प्लांट को एक एक करके एक एक कंटेनर में, एक एक पौधा, क्योंकि इसमें हमको एक ही, मतलब एक ही लगाना चाहिए, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधा मरता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप दो लगाएं, एक ही लगाइए तो अच्छा रहेगा। और फिर उसको जब ये लग जाए तो इसको समय समय पे पिंचिंग करते रहिए। तो देखिए, मैं इसको सारे डब्बे में आपको लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मेरा चार डब्बा लग गया, एक डब्बा खाली, क्योंकि उसमें चार ही था पौधा। तो अब एक मैं कटिंग से लगाऊंगी। तो एक पौधा है देखिए कोलिस का, तो इसमें से मैं एक कटिंग तोड़ लूँगी नीचे से, साइड से। देखिए यहाँ से एक हम तोड़ लिए हैं, तो इसको हम आराम से इसको दबा देंगे मिट्टी में। तो इस तरह से हम दबा दिए, और ऊपर से सूखी मिट्टी डालकर दबा लेंगे। और अभी प्लांट, इसमें हम पानी डाल देंगे, तो ये पौधा हो जाएगा रेडी। तो आप भी इस तरह से आसानी से और आराम से अपने घर पर बिना गमले के, पेंट के डब्बे में या फिर कोई भी कंटेनर में आप आराम से आसानी से लगा सकते हैं कोलियस के प्लांट, और इसको पिंचिंग कर करके ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। तो कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय बाय।